Hey, what's up guys? DPJJ here and welcome to my new vlog. और आज हम नई जगह पे जाने वाले हैं, तो अभी निकल चुके हैं. तो अभी हम सरन की नहर पे पहुंचे हैं. यहाँ से हमें राजपुरा जाना है, तो आज हम छत्तरबीड़ जू जाने वाले हैं. और मेरे साथ एक फ्रेंड है, साथ में ये भी जा रहा है, और हम लोग बाइक पे जा रहे हैं. और इसका नाम नितेश है. नितेश. और हम आज जा रहे हैं दुनिया घूमने, पता नहीं कहाँ कहाँ. बस पास में ही जा रहे हैं, आगे जीरकपुर के पास जाके. तो अभी हम रास्ते में निकल रहे हैं, तो वहाँ पे जाके आपको मिलते हैं. तो गाइस, बंदे रेडी है, टैंकी फुल है, और आज हम पूरा दिन कहीं ना कहीं घूमेंगे, मजा आएगा. बने रहिए हमारे साथ, कृपया लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें. तो अभी आप बी रोल एंजॉय करो, तो आपको मैं फिर वहीं जू पे मिलता हूँ. तो ये जू चंडीगढ़ अम्बाला हाईवे पे है, और जीरकपुर से ये 3-4 किलोमीटर की दूरी पे है. तो हम लोग मंडी गोविंदगढ़ से निकले थे, तो वहाँ से हम बाइक पे राजपुरा गए थे, और राजपुरे से सीधा छत्तरबीड़ जू. और हमने वहाँ पहुँचने के बाद पहले टिकट ली, तो जो अडल्ट के लिए टिकट है वो 100 रुपये है, और बच्चों के लिए 50 रुपये. न्यू ईयर की वजह से काफ़ी रश था वहाँ पे, काफ़ी लोग आए हुए थे, अराउंड 1500 से 1800 लोग आए हुए थे. तो हम उसके बाद अंदर एंटर हो गए. अंदर एंटर होने के बाद आपको सीधा बैटरी संचालित वाहन मिलते हैं, जिनकी टिकट है 60 रुपये, पर काफ़ी रश होने की वजह से वो अवेलेबल नहीं थे. तो हमने डिसाइड किया कि हम पैदल ही एक्सप्लोर करेंगे. उसके बाद जो सबसे पहला सेक्शन आता है वो एनिमल का है, जैसे कि अपने मंकीस हो गए, लॉइन हो गए. तो ये सेक्शन ठीक ठाक था, क्योंकि जो टाइगर थे वो सो रहे थे, और एक बार भी हमने फिर चलते नहीं देखा. और इन सेक्शन में एक एक ही टाइगर थे अलग अलग सेक्शन में. और यहाँ पे आपको झूले भी मिल जाते हैं. हम हैं यहाँ पे छत्तरबीड़ जू में, तो हमने थोड़ा अलग ट्राई किया आज. हमने जो लोग पाथ फॉलो करते हैं, हमने उससे थोड़ा सा अलग फॉलो करके हम इधर जंगल में आए हैं. आप देख सकते हैं कितना सही जगह है, दिखाऊंगा क्या क्या है हमारे थोड़े अलग से पाथ पे. आइए आप, हम अभी जंगल में हैं, और कितना सुंदर जंगल है यहाँ पे, पेड़ पौधे, हरा भरा माहौल. और एनिमल सेक्शन के बाद हमारा इंटरेस्टिंग सेक्शन स्टार्ट होता है, जो कि है डायनासोर पार्क. इस पार्क में काफ़ी सारे रोबोट वाले डायनासोर बनाए गए हैं, और उनके बारे में बताया भी गया है. और ये वाला जो सेक्शन है मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा. और आपको एक इम्पॉर्टेंट बात और बता दूँ, हमने सोचा था कि अगर कुछ खाना पीना होगा तो हम कैंटीन में खा लेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ. अंदर एक ही कैंटीन थी और वो बंद थी, तो उसकी वजह से हमने लंच नहीं किया था, क्योंकि हम साथ में कुछ लेके नहीं गए हुए थे. तो अगर आप जाते हैं जू में, तो अपना खाने पीने का सामान साथ में लेके ज़रूर जाना. Thank you.
और डायनासोर पार्क के बाद हमारा आ जाता है पंछियों का सेक्शन, और ये वाला सेक्शन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था। और यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये हुई कि हम कैंटीन में कहीं बैठ के खा नहीं पाए, तो मैं अपना फ़ोन भी नहीं चार्ज कर पाया था, तो उसकी वजह से कुछ पार्ट्स यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं हो पाए, बट स्टिल मैंने कुछ शॉट्स ले लिए थे। और इस जू में कुछ सेक्शन बंद भी पड़े थे, जैसे कि लॉयन सफारी, साथ में स्नेक वाला सेक्शन खाली पड़ा था, और उसके बाद बैट एंड ओल का सेक्शन भी खाली पड़ा हुआ था। तो जो ओवरऑल एक्सपीरियंस था मेरा इस जू में वो काफ़ी अच्छा था, हालांकि कुछ सेक्शन जो थे वो बंद थे और मेन चीज कैंटीन बंद थी, तो उसकी वजह से हमें पूरा दिन भूखे पेट ऐसे ही घूमना पड़ा। फिर हमने शाम को वापस आते हुए भरपेट पिज्जा खाया था। तो इस तरह से हमने न्यू ईयर पे ठीक ठाक इन्जॉय कर लिया था। वैसे जो ये जू है वो फैमिली के लिए बेस्ट है, वो यहाँ पर आके प्रॉपर घूम सकते हैं, पिकनिक मना सकते हैं, उनके लिए वन डे के लिए बेस्ट प्लेस है। तो 5 बजे के करीब ये जू बंद हो जाता है, तो 5:15 के करीब हम लोग वापस निकल गए थे। और ये मेरा सेकंड ब्लॉग था, और इस ब्लॉग में दिक्कत ये आई कि जो मेरा एक्सटर्नल माइक है मैं उसका कनेक्टर घर पे भूल गया था, तो उसकी वजह से अभी मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ। और ये जो वीडियो है कम्प्लीटली फ़ोन पे शूट हुई है, तो आपको इस वीडियो की क्वालिटी कैसी लगी आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और इसके साथ मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, सो गुड बाय।